बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम्स की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात कर रहे हैं पेडागॉजी के हवाले से, एक और वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी हसबे साबिक आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की ये वीडियो, और इसमें क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन जैसा कि हमने पिछली वीडियोज में आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एन असेसमेंट यूज टू डिटरमाइन अ पर्सन एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडीज इज कॉल्ड, के जो है असेसमेंट एक आदमी की एबिलिटी किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर उसकी एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, इवेल्युएशन कहते हैं, या मेजरमेंट कहते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन है आपका राइट वाला वो है एप्टीट्यूड टेस्ट, एन असेसमेंट टू डिटरमाइन अ पर्सन एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडीज इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच एक्ट ऑफ टीचर फॉस्टर अ सेंस ऑफ ऑटोनोमी इन द लर्निंग प्रोसेस, के टीचर का कौन सा एक्ट जो है वो सेंस ऑफ ऑटोनोमी पैदा करता है लर्निंग प्रोसेस के अंदर? इंस्ट्रक्टर का, फैसिलिटेटर का, डेलीगेटर का, फॉर्मल अथॉरिटी का? तो डेलीगेटर का जो रोल है, ये एक्ट है, वो सेंस ऑफ अथॉरिटी ऑटोनोमी जो है वो पैदा करता है लर्निंग प्रोसेस के अंदर। ऑप्शन आपका जो है वो सी इज राइट वन। आगे बढ़ते हैं, अ टीचर इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल ओनली इफ He understand his subject well, gets his article published in popular magazines, give 100% examination result, is gentle and easily approachable. एक टीचर जो है उसको कब सक्सेसफुल समझा जाता है? अगर वो अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझता हो, उसके आर्टिकल्स जो है वो मशहूर जो मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, उनके अंदर पब्लिश होते रहे, 100% एग्जामिनेशन रिजल्ट देता हो, या वो जेंटल और इजीली अप्रोचेबल हो, तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी है जी। अगर वो जेंटल है, इजीली अप्रोचेबल है, बच्चे उसके साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, बच्चों से वो अच्छी तरह से पेश आता है, तो वो टीचर जो है वो सक्सेसफुल समझा जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट वन। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिफोर एक्सेप्टिंग द टीचिंग प्रोफेशन ऑन वन मस्ट नो, कि टीचिंग को एज ए प्रोफेशन एक्सेप्ट करने से पहले बंदे को पहला पता होना चाहिए द ड्यूटी ऑफ द टीचर्स, द पे स्केल ऑफ टीचर्स, द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ हिज प्रोफेशन, द बेनिफिट्स अवेलेबल टू टीचर। तो टीचर्स की ड्यूटी का पता होना चाहिए, जो बाकी पे स्केल या फ्यूचर या जो बेनिफिट्स हैं वो एक सानवी चीज आप कह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है जी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हिज प्रोफेशन को देखा जाता है, कि प्रोफेशन को एक्सेप्ट करने से पहले मुस्तकबिल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं जी। तो ऑप्शन आपका जो राइट वन है वो है सी वाला, द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हिज प्रोफेशन। तो ड्यूटी का भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ड्यूटी का पता ही ना हो, पे स्केल आप पता करते रहे, बेनिफिट देखते रहे, और फिर आप जो है वो टीचिंग वाली साइड में आए। तो बहरहाल ऑप्शन सी इज राइट वन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, वुमेन आर गिवन प्रेफरेंस इज इन टीचिंग ऑफ प्राइमरी चिल्ड्रन। तो प्राइमरी जो चिल्ड्रन होते हैं, प्राइमरी लेवल पे वुमेन्स को जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है टीचिंग में, क्या वजह होती है? शी इज इमोशनली अंडरस्टैंडिंग, शी कैन ऑल्सो क्राई, स्टूडेंट्स डोंट गेट स्केर्ड, मैन डोंट लाइक दिस प्रोफेशन। शी इज इमोशनली अंडरस्टैंडिंग, कि वो बच्चों की जो जज्बात होते हैं, इमोशंस जो होते हैं, उनको वो समझ सकती हैं, इसलिए प्राइमरी लेवल पर खवातीन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है टीचिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, द यूज ऑफ इंटरनेट फॉर स्टूडेंट्स इन देयर एजुकेशनल एक्टिविटीज इज इन योर ओपिनियन टेक्स द प्लेस ऑफ द टीचर मीडियम फॉर गुड टीचिंग, द वेस्टेज ऑफ प्रीशियस टाइम, गुड मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट। कि इंटरनेट का जो यूज है स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल एक्टिविटीज में, आपके ख्याल में क्या है? ये टीचर की जगह ले रहा है, अच्छे टीचिंग का एक मीडियम है, अच्छी टीचिंग का एक मीडियम है, वेस्टेज ऑफ प्रीशियस टाइम है, गुड मीडियम फॉर एंटरटेनमेंट है। तो ऑप्शन आपका जो होना चाहिए वो बी है, कि मीडियम ऑफ गुड टीचिंग, मीडियम फॉर गुड टीचिंग। आप इंटरनेट को यूज करके अपनी टीचिंग को बेहतर कर सकते हैं, नई नई मालूमात हासिल कर सकते हैं, जो नई डेवलपमेंट होती है आपकी फील्ड में तो उनके बारे में बच्चों को बता सकते हैं। तो इट इज अ मीडियम फॉर गुड टीचिंग, ऑप्शन बी इज राइट वन। आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन अगला है जी हमारा, द टीचिंग अप्रोच इन विच स्टूडेंट्स शेयर नॉलेज विद अदर स्टूडेंट थ्रू अ वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन हैज कोऑपरेटिव क्लासरूम मॉडल, कोऑपरेटिव बिहेवियर मॉडल, कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल, ऑप्शन सी इज राइट वन। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू लीव, लिखा हुआ 7 है लेकिन 8 है क्वेश्चन नंबर, व्हेन स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू लीव क्लासरूम्स टू ऑब्जर्व इवेंट्स ऑर्गेनिजम्स
एंड ऑब्जेक्ट्स इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स द टीचर इज एक्चुअली यूजिंग दैट स्ट्रेटेजी टू टीच देम फील्ड ऑब्जर्वेशन फील्ड ट्रिप्स क्लास ऑब्जर्वेशन नन ऑफ दीज तो इसको कहते हैं जी फील्ड ऑब्जर्वेशन ऑप्शन ए इज राइट वन क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ट्रेडिशनली द कॉर्ड्स विद अ क्वेश्चन प्रॉब्लम और फैक्ट ऑन वन साइड एंड आंसर और रिलेटेड फैक्ट ऑन द अदर साइड आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशन कॉर्ड्स प्ले कॉर्ड्स फ्लैश कॉर्ड्स नोट कॉर्ड्स तो इनको कहते हैं जी फ्लैश कॉर्ड एक साइड पर आपका क्वेश्चन है दूसरी साइड पर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसका आंसर है तो उसको फ्लैश कॉर्ड कहेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है responses that produces a discomforting effect become dash to occur again in that situation not likely equally likely less likely more likely so less likely to occur again that situation तो हमारे ये 10 questions हो गए उम्मीद करते हैं कि 10 questions आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे इंशाल्लाह मजीद इसी तरह की videos लेकर आएंगे wish you all good luck thank you very much